गणेश चौथ व्रत की कथा। माँ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ व्रत होता है, इसे संकट चतुर्थी चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ तिलकुटा बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और 14 है विनायक जी की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छू कर दें और लाल जल का लोटा और हाथ के तिल उठा कर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीम ले। 1 रुपया तिलकुटे जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुटा जरूर खाएं। चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारिणी थी, वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी, तब साहूकारिणी के पास जाकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारिणी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो सवा सिर तिलकुटा करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का ही हो जाए तो मैं 2.5 सिर का तिलकुटा करूँगी, इसका लड़का भी हो गया। तो वह बोली कि चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सिर का तिलकुटा करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो विवाह करने ही चले गए। तब चौथ बिंदायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ हो रहा है तब से रोज़ तिलकुटा बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तभी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम उसको प्रपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरे में से ले लेंगे। जब उसके 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियाँ गणगौर पूजन गाँव से बाहर धूप लेने जाती थी, तब वह कहता कि आ मेरी अर्धब्याई। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ फिर भी तू क्यों सूखती जा रही। तो वह बोले कि जब मैं धूप लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरे अर्धब्याई, और उसने मेहंदी लगा रखी थी, लगे सहरा बांध रखा है। और उसकी 8 माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जवाई है। तब वह अपनी जवाई से बोले कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याई कर दी और अब क्या लोगे? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा का बोल रखा था, उसने कहीं नहीं किया और चौथ माता नाराज़ हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। मैं वहाँ गई और साहूकारिणी से बोले कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारिणी बोली तिलकुटा बोला था। फिर साहूकारिणी बोली कि अगर मेरा बेटा हो जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे और फेरे मिलाकर बिठा दिया। बेटे विवाह हो गया तो उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुटा कर दिया और बोले कि हे चौथ माता तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, इसमें हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब कोई तिलकुटा करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता जैसे उसके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार को भला करना। जो चौथ माता गोदा पर करे ये बिंदायक जी कहानी पढ़े। बिंदायक जी कहानी पीछे कई बार आ चुकी है। अपन कैसे किया जाता है? अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटी का विवाह हो तो चौथ माई को दापन होता है। 1 सिर सफेद तिल 1 सिर गुड़ मिलाकर तिलकुटा करके और 1 चम्मच में तिलकुट की 13 कुड्डे करें और उस पर 1 तिल रखकर 600 रुपये रखकर हाथ फेर रोली चावल मिनस कर साथ में सासू जी के पैर छू कर दे दे। चौथ माई कहानी सिर्फ चौथ को दापन करे तो 1 थाली में 13 जगह 4 4 जगह लगा रखें और 1 तिल 3 रुपये उस पर रखकर सास को पैर छू कर दे। ब्राह्मणी जिमावे उन्हें 1 बूढ़ा हलवा पूरी दे दे, टीका लगा कर दक्षिणा दे दे। कोई भी उदापन करे तो इस प्रकार उदापन की तैयारी करें।